क्या खिला दिया ये। तो मोमोज कहते हो इस चीज़ को वर्जन में भाई, देखोगे तो उसके हिसाब से भाई, नहीं भाई दिल्ली वाली बात तो नहीं है, बट बाकी भाई ये हमारा तीसरा मोमोज आ गया इसके ऊपर, फायर मोमोज। गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। और यार आज हम करने वाले अल्टीमेट कंपैरिजन, आज हम कंपेयर करेंगे दिल्ली के मोमोज वर्सेस बॉम्बे के मोमोज। और अभी मैं दिल्ली में हूँ भाई, और आप सबको जैसा पता है कि भाई मैं मुंबई जाने वाला था कंटेंट कवर के लिए, पर मेरे को थोड़ा कुछ वहाँ पे काम भी था, इसलिए भाई मैंने सोचा अल्टीमेट कंपैरिजन करते हैं दिल्ली के मोमोज को बॉम्बे के मोमोज से कंपेयर करा के देखते हैं, क्योंकि डिबेट चलती रहती है कि कहाँ का खाना ज़्यादा बेटर है। मैंने कहा यार कंपेयर करते हैं और बात खत्म करते हैं। तो चलो यार आप फटाफट से जाते हैं, यहाँ से अपने तंदूरी मोमोज लेके आते हैं और देखते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है। तो गाइस ये हमारे वेज स्टीम मोमोज है, जिसका प्राइस 70 रुपये। वेज नहीं पनीर स्टीम मोमोज है हमारे, वेज तो भाई लेते ही नहीं हम। स्टीम मोमोज तो रेडी हैं, हम इसमें से अपने तंदूरी मोमोज एक बार बाहर निकाल लेते हैं। और जो इनका प्राइस है वो है 160 रुपीज़, और ये हम लाए मोमो किंग से। और बहुत गर्म है इसका तो साइज, ये देखो तंदूरी मोमोज का साइज़ देखो यार, कितने शानदार लग रहे हैं भाई, कितना बड़ा पीस है, एकदम मज़ा ही आ गया देख के। और साथ में हमें इसका डिप मिली है, फटाफट से भरेंगे बाइट लेते हैं और देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है, और मुंबई के मोमोज के भाई टक्कर के हैं या नहीं है उनसे बैठ। तो भाई चलो हम पहले अपने स्टीम मोमोज ट्राई करते हैं। और भाई जो तो हमने बहुत बार ट्राई कर भी रखे हैं भाई, और ये तो एकदम ओवरलोडेड होते हैं पनीर से, आप सबको पता ही है, क्योंकि कितना शानदार लग रहा है फुली ओवरलोडेड पनीर से भाई, ये चेक कर रहे हो पूरा पनीर पनीर है। एक बार इसको ट्राई करते हैं, बहुत शानदार टेस्ट है, मज़ा आ गया खाते ही। थिन क्रस्ट फुली ओवर लोडेड पनीर, और जो मेन दवा होता है चटनी का, चटनी सुपर स्पाइसी होती है, नहीं तो मज़ा आ जाता है एकदम। और बाकी देखते हैं यार कि मुंबई मोमोज कैसे, मैंने सोचा था कि साथ में कंपेयर करें, बट कैसे करें भाई, वहाँ तक इन सबको लेकर जाऊँगा ना कूड़ा हो जाएंगे, मुझे सोचा कि मैंने बैग में छुपा कर ले जाऊँगा, पर मैंने छोड़ा यार बेकार आइडिया। तो हम ट्राई करते हैं तंदूरी मोमोज, और वहाँ पर भी हम सेम मोमोज ट्राई करेंगे, स्टीम और तंदूरी। भाई ये चेक करो यहाँ पर जो इनका प्राइस है 160 रुपीज़, 10 पीस मिलेंगे। मोमोज का साइज़ देख रहे हो भाई, अच्छा खासा साइज़ है, बढ़िया तरीके से मैरिनेट कर रखा है इनको, एक बार इनको भाई फिलिंग देखते हैं। और ये आज हम नई जगह से लाए हैं, और ये हमने कभी पहले ट्राई करी नहीं है ये जगह। गाइस ये भी फुली ओवरलोडेड है पनीर से, इसे एक बार चटनी में डिप करते हैं और देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। तो यार अभी मैंने वाले मोमोज ट्राई करे अपने तंदूरी मोमोज, जो हम लेके आते हैं मोमोज किंग से भाई, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा जानदार है, बहुत बढ़िया लगे मेरे को। पहली बार मैंने मोमोज किंग से मोमोज ट्राई करे हैं, इनके अंदर भाई जो पनीर था बहुत ज़्यादा भर भर के डाल रखा था, मतलब भाई एक्सट्रीमली भाई पनीर के अंदर रिच थे मोमोज, और जो इनकी मैरिनेशन थी भाई देख सकते हो बहुत शानदार थी। अब बाकी देखते हैं मुंबई में ऐसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता। भाई इनका प्राइस थोड़ा सा मेरे को ओवर प्राइस लगा, 160 रुपीज़ का था, बट बाकी मेरी बहन बताती है मुंबई में जो मोमोज भी 200 रुपये के आसपास मिलते, तो प्राइस तो कंपेरेबल है। तो वहाँ पे एक बार चल कर देखते हैं वहाँ का कैसा टेस्ट है, क्योंकि मैंने ज़्यादा सुना है कि वहाँ के मोमोज जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार तो नहीं, मतलब हाँ ओके ओके होते हैं, मतलब ठीक ठाक सा टेस्ट होता है, मतलब दिल्ली वाली बात नहीं होती इनके मोमोज में। तो मैंने कहा चलो एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। और बाकी तो मैंने अपने स्टीम मोमोज अभी ट्राई करे, वो तो भाई ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, प्रेम के पनीर वाले भाई वो तो बहुत सही थे। बाकी गाइस ये वाले मोमोज हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करे, ये भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। चलो यार मेरे फ्लाइट का टाइम आने वाला, तो निकलते हैं फटाफट से, बैग भी रेडी है अपना, दूसरा बैग जो मैं हमेशा कैरी करता हूं अपना ब्लू वाला वो भी रेडी है, तो फटाफट से निकलते हैं और भाई आप लोगों से मिलेंगे मुंबई में। सो गाइस मैं लैंड कर चुका हूं, और अभी भाई तुम्हारा भाई मुंबई पहुंच चुका है फाइनली, और अभी यहां से कंटेंट बनाना शुरू हो जाता हूं। मैं तो सोच रहा हूं यहीं से कंटेंट बनाना शुरू कर दूं। आज ऐसे में उतरा, मैंने फटाफट नितेश को फ़ोन करा खाऊ गली के बारे में पूछा यहाँ की। सो अभी देखते हैं भाई कहाँ जाना है, अभी तो फिलहाल अपने मतलब कैब बुक करी है, वहाँ पे चलते हैं बहन के घर सबसे पहले, फिर वहाँ उसके बाद देखते हैं क्या करना है भाई, बहुत थक भी गया, कानों में दर्द हो गया मेरे तो। चलो यार चलते हैं सबसे पहले घाटकोपर में भाई, तो हम ट्राई करेंगे चीज़ ऑन फायर इनके मोमोज मैजिक। भाई एक बार हम यहाँ पे इनके मोमोज ट्राई करके देखते हैं, भाई देखते हैं कि दिल्ली के मोमोज वाली बात है या नहीं है। भाई दिल्ली में आपको पता है मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अब यहाँ पे मोमोज ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे जो मोमोज हैं भाई उनमें दिल्ली वाली बात है या नहीं है। तो अपन अब पहले अपने स्टीम मोमोज लगवाएंगे, उसके बाद लगवाएंगे तंदूरी मोमोज। तो चलो आपको मेकिंग दिखाना शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन से मोमोज है ये? मैगी मोमोज, पनीर, पनीर, पनीर मोमोज, पनीर तंदूरी, पनीर मैगी नहीं लगवाए? मैगी भाई ये हमारे मोमोज फ्राई होते हुए चलाने एक बार भैया को मोमोज को। प्राइस क्या है भैया इनका? हाँ भैया हाँ, कितने के हैं भाई बताओ? करण पनीर अरे 6 पीस, 6 पीस हाँ सर, बड़ा महंगा महंगा किया है सर, दिल्ली में होंगे 20 रुपये मिलते हैं। अरे दिल्ली से दिल्ली से हम भी आए हैं सर। भाई ये आ गए हमारे मोमोज, भाई ये चेक करो तंदूरी मोमोज है हमारे,
मार पिटाई हो रही है अभी यहाँ पे। ये ऊपर कर दो ये मैरिड भाई एक बार ना उसको हाथ में ऊपर नहीं होता तो। ऊपर नहीं होगा भाई। ये आ गए हमारे तंदूरी मोमोज भाई। ये देख लो भाई फायर मार के हमारे मोमोज को करा जाएगा इसके ऊपर। पूरा अच्छे से मैरिनेट कर रखा है मोमोज को। उसके ऊपर एक गन से भाई वे ऐसा क्योंकि नीचे भी कोयला जल रहा है और आप इस गन से ही मार रहे हो। दोनों फ्लेवर है। दोनों से तो इससे अलग फ्लेवर आएगा कुछ। ट्राई करो कि मालूम पड़ेगा। दिल्ली से बढ़िया मोमोज मिलते हैं बॉम्बे में। कोशिश तो वही करते हैं सर। नहीं मतलब मैंने सुना है दिल्ली फेमस है मोमोज के लिए। बिल्कुल वहाँ पे बंदे पागल हैं। नीचे आग लगा देना। 35 मोमोज खा जाते हैं 1100 रुपए के लिए। बहुत पागल है। 1200 रुपए के लिए 35 मोमोज खा जाते हैं। अरे हम भी दिल्ली से आए भाई। दिल्ली से कहाँ हो हम भाई? वेस्ट दिल्ली से। हाँ लोकेशन बता दे घर पहुँच जाए सारे मेरे भाई। आँख चेक कर रहे हो भैया ने एकदम फायर फायर कर दिया। ओ भाई ये बढ़िया था भाई हमारे फायर मोमोज। स्टीम मोमोज भी अभी अपने पास। स्टीम में कौन कौन सा होगा? सब है। तंदूरी में स्टीम में भी है। भैया प्लेट प्लेटिंग इधर कर देना सामने। हो गया भैया रेडी? भाई ये देख लो भाई फायर मार के हमारे मोमोज को करा जाएगा इसके ऊपर। पूरा अच्छे से मैरिनेट कर रखा है मोमोज को। उसके ऊपर एक गन से भाई ऐसा क्योंकि नीचे भी कोयला जल रहा है और आप इस गन से ही मार रहे हो। दोनों फ्लेवर है। दोनों से तो इससे अलग फ्लेवर आएगा कुछ। ट्राई करो कि मालूम पड़ेगा। दिल्ली से बढ़िया मोमोज मिलते हैं बॉम्बे में। कोशिश तो वही करते हैं सर। नहीं मतलब मैंने सुना है दिल्ली फेमस है मोमोज के लिए। बिल्कुल वहाँ पे बंदे पागल हैं। नीचे आग लगा देना। 35 मोमोज खा जाते हैं 1100 रुपए के लिए। बहुत पागल है। 1200 रुपए के लिए 35 मोमोज खा जाते हैं। अरे हम भी दिल्ली से आए भाई। दिल्ली से कहाँ हो हम भाई? वेस्ट दिल्ली से। हाँ लोकेशन बता दे घर पहुँच जाए सारे मेरे। डोल मांडी के मोमोज की बुराई करी थी यहाँ पे तारीफ कर रहा है भाई। आँख चेक कर रहे हो भैया ने एकदम फायर फायर कर दिया। ओ भाई ये बढ़िया था भाई हमारे फायर मोमोज। स्टीम मोमोज भी अभी अपने पास। स्टीम में कौन कौन सा होगा? सब है। तंदूरी में स्टीम में भी है। भाई ये चेक करो हमारे मोमोज एकदम गर्मा गर्म आग लगते हुए भाई। फायर मोमोज हमारे भाई। प्लेटिंग होना शुरू होगी। थोड़ा ऊपर से डालना। अरे भैया नितेश की तरह हो गया। हाथ में पकड़ लियो भाई। ये आ गया लाल वाली चटनी। स्पाइसी चटनी हमारी भाई। ये बन के रेडी हो गए। चलो एक बार रिव्यू करते हैं इनको भाई। देखते हैं दिल्ली के मोमोज को टक्कर दे पाते हैं नहीं दे पाते भाई। ये गाइस चेक करो हमारे भाई फायर तंदूरी मोमोज स्पेशल फ्रॉम मुंबई भाई। ये इसके अंदर की फीलिंग है। बाकी ये आ गई भाई इसकी चटनी। भाई ये मेरी बाइट रेडी हो गई। इसका मन हो रहा देख दीपक का। तो भाई ट्राई करते हैं अपने फायर तंदूरी मोमोज भाई। देखते हैं दिल्ली के मोमोज के भाई टक्कर के है नहीं है। भाई ठीक है डिश। अब दिल्ली वाली बात तो नहीं है। बाकी मतलब ठीक है टेस्ट। एक बार चटनी ट्राई करते हैं इनकी भाई। स्पाइसी चटनी है बस थोड़ी सी
देखते हैं कितनी स्पाइसी है ये। भाई ओवरऑल बढ़िया है, थोड़ा सा कॉस्टली है और बाकी टेस्ट अच्छा है। अगर आप दिल्ली के कंपैरिजन में भाई देखोगे तो उसके हिसाब से भाई नहीं भाई दिल्ली वाली बात तो नहीं है, बट बाकी टेस्ट बढ़िया है, नो डाउट अच्छा है, मुंबई के हिसाब से बहुत बढ़िया है। चलो यार इसे निपटाते हैं, बाकी देखते हैं और क्या एक्सप्लोर करना है अपने को। भाई ये आगे हमारे वेज स्टीम मोमोज और जाएंगे इसके अंदर स्टीमर में, उसके बाद भाई हमें मिलेंगे खाने को, फिर आपको भाई टेस्ट करके बताएंगे कि दिल्ली वाली बात है या नहीं है। भाई ये आ गए हमारे स्टीम मोमोज, मोमोज का साइज़ तो अच्छा खासा लग रहा है, बाकी भी टेस्ट में देखेंगे टेस्ट कैसा है भाई इनका। तो कैमरे में एकदम भाप भाप होगा, धुआं धुआं। कितने पीस मिलते हैं भैया 80 में? 6 पीस है भाई, कॉस्टली तो बहुत ज़्यादा है। 80 में मेरे को लगभग 15 मोमोज मिल जाएंगे। कौन लियो भाई राज भाई हाथ में? भाई ये हमारे स्टीम मोमोज रेडी हैं, तो एक बार इनका रिव्यू करके देखते हैं भाई, देखते हैं टेस्ट कैसा है। भाई ये चेक करो हमारे भाई मोमोज, वेज मोमोज मुंबई के भाई, गर्मा गर्म कुछ ज़्यादा ही गर्म है, मेरे दोस्त के हाथ जलते हुए। उस हाथ से डिप कर भाई गिर गए तू। तो चलो भाई अपने मुंबई के स्ट्रीट मोमोज ट्राई करके देखते हैं भाई इनका टेस्ट कैसा है। भाई ये इनकी चटनी है लाल वाली और ये मायो, बाकी भाई फिलिंग मोमोज के अंदर की ऐसी, और जो ऊपर की क्रस्ट थोड़ी सी मोटी है, बाकी देखते हैं भाई ये दिल्ली के मोमोज को अपने टक्कर दे पाते हैं नहीं दे पाते, प्रेम के मोमोज से बढ़िया है या नहीं है। क्या खिला दिया ये? तो मोमोज कहते हो इस चीज़ को भाई? क्या ही क्या भरा हुआ है इसके अंदर, गोभी गोभी कुछ भाई, मतलब एकदम रॉ गोभी डाल रखी है भाई, ऊपर की क्रस्ट इतनी मोटी, मैदा इतना मोटा है भाई, मतलब 80 रुपये में भाई 60 मोमोज इतनी तोड़नी मेरे को बिल्कुल बस नहीं लगे मुंबई के। बाकी सारा खाना भाई पाव भाजी नो डाउट बहुत बढ़िया थी, और भाई मोमोज तो भाई मोमोज के लिए तो भाई दिल्ली फेमस है अपना भाई। तो भाई अपन लोगों ने स्टीम मोमोज ट्राई करें आगे और तंदूरी मोमोज ट्राई करें, भाई मेरे को बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा यहाँ का खाना, मतलब मोमोज खाना तो यहाँ का वर्थ है बट मोमोज वर्थ नहीं मुंबई के भाई। दिल्ली मुंबई वाले लोगों को दिल्ली आना चाहिए भाई मोमोज ट्राई करने के लिए, फिर उन्हें पता लगेगा भाई मोमोज होते क्या हैं। बाकी सारा खाना तो भाई नो डाउट बहुत अच्छा है यहाँ का। चलो यार अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और यार एक बात बतानी भूल गया मैं भाई, लोग यहाँ पे चम्मच से मोमोज खा रहे थे भाई, मतलब देख के मेरा तो दिमाग खराब होगा, दिमाग एकदम ऐसे भाई सर पकड़ लिया मैंने, तो भाई चम्मच से मोमोज कौन खाता है भाई? हाउ कैन समवन ईट मोमोज विद चम्मच, क्या कॉम्बिनेशन है आ रही भाई उसको, तो ऐसे जब तक डिप करके ना खाओ ना भाई स्वाद ही नहीं आता चटनी में एकदम, मतलब भाई चटनी में वाला दम नहीं था। बाकी यार मतलब मुंबई के हिसाब से स्ट्रीट फूड बढ़िया था, नितेश को तो भाई पसंद है तो यही खाता है और बाकी सबको भी। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय महाराष्ट्र।